हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी तक यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसीज़ के बारे में। एंड ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये जो भर्ती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से आई है, जहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। वेरियस पोस्ट में देख सकते हैं आप, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए, MTS पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट आई है। सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 24,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलने वाला है। एंड मेक श्योर कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप एलिजिबल हो, वैसे तो आप एलिजिबल होंगे ही क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, कोई अलग से डिप्लोमा कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो आप तो एलिजिबल होंगे ही। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई करें, क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो अंतिम तिथि से पहले आप अप्लाई करते हैं तभी आपके लिए बेनिफिट होगा, वरना कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। एंड दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इसका डेट्स आगे बढ़ाया जा सके, ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा जो है इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि इसका डेट आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से रिलीज़ की गई है, उसमें वैकेंसीज की बात की गई है। पूरी बातें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप डेली बेसिस पे नई नई जॉब्स की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको इंग्लिश में NGT कहते हैं, दो स्टेट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट है दिल्ली एंड सेकंड है पुणे। आप किसी भी स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है 16 मार्च को वैकेंसी आई थी, 16 मार्च को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दूँ, सब्जेक्ट में बताया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। यहाँ पे और भी बहुत सारी पोस्ट के लिए बारे में बताया गया है। तो पोस्ट के बारे में आपको बताता हूँ किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, 09 है, बट आपको नंबर ऑफ पोस्ट नहीं देखना, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, एक सीट चाहिए आपको, तो बस ये देख के आपको अप्लाई करना है। तो अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हो, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो अच्छी बात है। एंड एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से 30 ईयर्स रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है। एंड एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला है पहले कभी तो 2400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ। एंड सेकंड पोस्ट है स्टोग्राफर के लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस स्टोग्राफर के लिए आपको पता ही है क्या टाइपिंग स्पीड मांगते हैं, वो सेम होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, सैलरी 24,000 रुपीज़ आपको पर मंथ दिया जाएगा। एंड इसके बारे में और भी कुछ बताई गई है, द टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर द अबव एंगेजमेंट शैल बी एज फॉलो, द पर्सन एंगेज शैल परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज असाइंड द कंट्रोलिंग ऑफिसर फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो इस तरह से आपको जो है एक गाइडलाइंस जो दिया जाएगा उसके उसको फॉलो करना होगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है द वर्किंग आवर्स द NGT सेल बी फ्रॉम 9:30 to 5 PM, यानी वर्किंग आवर्स के बारे में बता दे, इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपको ड्यूटी करनी है जब भी आपका ज्वाइनिंग होती है तब। उसके बाद बताया गया है कुछ और भी चीज़ें बताई गई है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब बताया गया है। तो दोस्तों, इसका जो है फॉर्म जो है ये ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। अब ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है आपको, ऑनलाइन नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑफलाइन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आई नो कि प्रॉब्लम चल रही है, बट इसके लिए अभी कोई सोल्यूशन नहीं आया है, कि कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ही जल्द इसका ऑप्शन आएगा। एंड लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पे 30 रखा गया है, 30 जो है मार्च रखा गया है, तो टाइम भी कम है। तो इसमें अब देखना ये होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई वैसे अपडेट नहीं आया है कि इसका डेट आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 30 मार्च रखा गया डेट। एंड कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसमें, देख सकते हैं क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है अटैच करना है, उसके बारे में बताया गया है। सारा चीज़ आप एक बार पढ़ लेना, एंड पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इस तरह का जो है एक फॉर्म है आपको दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म फिलअप करना होगा, स्टेप बाय फॉर्म फिलअप करके आपको जो है सेंड करना होता है। एंड अभी तो मेरे ख्याल से सेंड हो नहीं पाएगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के वैकेंसीज़ के लिए तो एक बार चेक जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से जाके चेक करो। अगर वहाँ पे कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। तो गाइस, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक लाइक जरूर करें, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली बेसिस पर नई नई जॉब्स की अपडेट पाने के लिए। बाकी जो है ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।